गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 12। कल हम गए थे महाकालेश्वर, तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी, आप लोग देख सकते हैं। मैंने कल हमारा सडन प्लान हो गया तो हम चले गए, तो रात में मैं आई हूँ 3:30 बजे, तो वो मैंने वीडियो इसलिए आज सुबह ही अपलोड की है, तो आज आप लोग देख सकते हैं। और तो अभी मैं सोकर उठी थी अराउंड आज 11 बजे, नहा लिया है मैंने, तो अब 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं अब जाऊंगी चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, कल रात में बहुत फॉग था, बारिश भी हुई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब सा है, इसलिए आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों ये जैसा कि मेरा डॉग विस्की है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये सब भी सुबह उठता है या फिर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे होता है, तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो गया और इसे इसका खाना चाहिए, फूड चाहिए, चॉपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो मैं अभी अपने डॉग को चॉपस्टिक दूंगी, चॉपस्टिक खाने के बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों कल की थकान बहुत ज़्यादा है, आँखों में भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, नींद भी आ रही है। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैंने सुबह तो नहा ही लिया था, ब्लॉग थोड़ा मैंने लेट स्टार्ट किया आज, तो अब मैं खा रही हूँ खाना और मैं आपको खाने में दिखाती हूँ क्या है। खाने में आज मम्मा ने बनाया है दाल और चावल, और ये है टमाटर की प्यूरी, और इसमें मैंने डाल दिया है स्वे नमकीन। तो मैं इसी तरीके से खाना खाना पसंद करती हूँ, मैं चम्मच से खाती हूँ, पहले मैं हाथ से खाती थी लेकिन अब मैं चम्मच से खाने लग गई हूँ। जब मैं दिल्ली गई, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पे जनरली लोग चम्मच से खाते थे, तो जब मैंने चम्मच से स्टार्टिंग में पहले हाथ से ही खाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने चम्मच से खाना स्टार्ट किया, तो अब वहाँ रहते रहते मेरी आदत भी चम्मच से खाने की हो गई है, लेकिन हाथ से खाने में जो मज़ा है वो चम्मच से नहीं है। बट ठीक है, हम चम्मच से खा लेते हैं, तो मैं खाना फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया है, पूरा खा लिया है, और ये मेरा डॉग है, इसको भी मैंने खाना खिला दिया है, ये दूध रोटी और उसके ऊपर ढेर सारे टमाटर के साथ खाना खाता है, और खाना खाने के बाद देखिए ये किस तरीके से सो रहा है। लेकिन मैं बता दूँ, ये खाना खाने के जस्ट बाद आलू चोर है, ये किचन में हमारे जनरली नीचे हम आलू बिछा के रखते हैं, तो वहाँ जाके आलू चुराता है, रोज़ एक आलू खाता है, तो आज भी इसने एक आलू चुराई है, चुरा के खाई है, और अब यहाँ के आके बैठा है, और अब हो रहा है इसके सोने का टाइम। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, इसलिए कान इसके खड़े हैं, आंखें बार बार खुल रही हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट सोने ही वाला है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ी देर में भी मैं जैसे ही हटूँगी सो जाएगा, क्योंकि इसे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। विस्की, तो मुझे डॉगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे डॉग। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी खूबसूरत गाय है, और किस तरीके से अपने आप को पोज रही है, मुझे गाय से भी बहुत प्यार है, गाय हमेशा हमारे यहाँ आती हैं रोटी खाने के लिए, हर एक घर में जाती हैं, सुबह से आ जाती हैं, तो हर एक घर में जाती हैं, खड़ी होती हैं, और हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई ना कोई हर एक गाय को रोटी देता ही है, उसे खाली नहीं छोड़ता है, तो मुझे गाय से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दोस्तों मैं मौसम भी दिखा देती हूँ, मौसम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, दिन के हो गए हैं 3, लेकिन मौसम अभी भी बहुत बेकार सा हो रहा है, ठंड सी हो रही है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, तो देखते हैं क्या प्लान होता है, तो बनी रहिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 4:30, मैंने अपने फेस पर विटामिन सी सीरम लगाया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा ही ग्लो दिख रहा होगा, स्किन के लिए अच्छा है, तो मैंने अभी लगा लिया है। 4:30 हो रहे हैं और बाहर ठंडी, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट अपकमिंग में कभी जाऊँगी वीकेंड में। तो अभी मैं बोर हो रही थी तो मैंने मूवी देखनी स्टार्ट की है, आप देख सकते हैं ये मूवी मेरी टीवी पे जो मूवी चल रही है, ये जो मूवी आ रही है ये आ रही है द गॉड ऑफ इजिप्ट, बहुत अच्छी मूवी है, नेटफ्लिक्स पर है, आप भी देख सकते हैं। तो वैसे मैंने इसको थोड़ा सा पहले भी देखा हुआ था, बट अब मैं पूरी देखूंगी तो मैं वापस से स्टार्टिंग से देखूंगी, अच्छी मूवी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग द विचर सीरीज़ भी नेटफ्लिक्स पे है, बहुत अच्छी है, आप वो भी देख सकते हैं।
तो इट इज़ जस्ट माई सजेशन बिकॉज मैंने देखा है, तो होप सो आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ और फिर मैं बताती हूँ कि मैंने मूवी देखने के बाद क्या किया। दोस्तों देखिए, मेरा डॉग सो रहा है। एक्चुअली इसके खाना खाने का टाइम हो गया है क्योंकि अभी बज रहा है 8, तो अभी इसका खाना बना नहीं है, बट अभी 5-10 मिनट में इसको हम रोटी देंगे। तो आज मैं इसको खाना खिलाऊंगी, तो चलती हूँ मैं अभी नीचे, इसको खाना खिलाते हैं। तो ये है मेरी मम्मा, मम्मा भी खाना बना रही हैं और अच्छा मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है। ये क्या बन रहा है, आई थिंक मटर और आलू की सब्जी, विच इज़ माई फेवरेट। तो काफ़ी आप लोग कह रहे थे कि हमने आपके मॉम को नहीं देखा है, तो गाइस यू कैन सी माय मॉम, माय मॉम। और यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है और अभी मैं चाय गर्म करूँगी क्योंकि ठंड का मौसम है, तो जितनी बार चाय पी जाए उतनी ही कम है, तो अभी हम चाय पीते हैं गर्म करके। तो यहाँ पे बन रही है, तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है और बहुत ज़्यादा खा लिया है। रात के अब बज चुके हैं अराउंड 10, तो थोड़ा सा ऑफिस का काम था तो वो किया, थोड़ा सा बचा हुआ काम था जो मैंने नहीं किया था फ्राइडे को, तो अब मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो अब मैं सोती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल।